रीट के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा में भी बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लग गए हैं। बिना नॉर्मलाइजेशन किए पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 जनवरी को जारी कर दिया, जिससे परीक्षा में बैठे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। हंगामा बढ़ा और पटवारी कैंडिडेट ने विरोध करते हुए ज्ञापन दिया, तो बोर्ड सचिव ने पटवारी कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन के ज्ञापन का हवाला देते हुए उसकी समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास विचार करने रखने के लिए कार्यालय आदेश निकाला। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 और 28 अक्टूबर को हुई पटवारी परीक्षा के बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट में मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाली गई। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि वो मेरिट में किस नंबर पर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पटवारी परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि करवा चौथ के एक दिन पहले महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, जिसमें ए बी सी नाम के पुरुष अभ्यर्थी के बाद सीधे एम नाम के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया था। उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या ऐसा अपने चहेतों को चयन करने के लिए किया गया था। अब ये भी समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण या अलग अलग पेपर का लेवल सामान्य करना होता है। यह हर उस एग्जाम में करना होता है जिसमें एक से ज्यादा चरण होते हैं। उसमें प्रिंसिपली नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है, यानी चारों चरणों में हुई परीक्षा में प्रश्न पत्रों की कठिनता के स्तर का पता लगाकर यह पता करना था कि कौन से चरण के पेपर कठिन और कौन से चरण के पेपर सरल रहे। इसके बाद चारों चरण के कन्वेंशन पेपर का नॉर्मलाइजेशन करते हुए रिजल्ट जारी किया जाता है। इसमें गणित के फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाते हैं। अलग अलग चरणों के मीन यानी माध्य निकाला जाता है, यानी जिस दिन जिस शिफ्ट का पेपर कठिन रहा, कैंडिडेट्स के जिस शिफ्ट में कम नंबर आए उनके 75 नंबर भी 100 हो सकते हैं, जबकि जिस शिफ्ट में पेपर सरल रहा और 100 नंबर कैंडिडेट के आए उसे उलट उसके 75 नंबर भी किए जा सकते हैं। इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।